पहले वो विधानसभा में अध्यक्ष थे और विधानसभा अध्यक्ष के बाद सीधा कैबिनेट में मौका, सर विधानसभा अध्यक्ष अब कैबिनेट में, किस तरह से अब एक नए जो आपको है एक नया मौका और एक नई जगह आपको अब रख दिया, किस तरह से सबको आप आगे बढ़ाएंगे? देखिए मैं एक कार्यकर्ता हूं और पार्टी का निष्ठावान सिपाही हूं, पार्टी जब जब जो आदेश करती है हम लोग उस जिम्मेवारी को निभाते हैं। तीसरी बार का विधायक था तो अध्यक्ष विधानसभा का जिम्मा दिया, आपने देखा किस प्रकार से मैंने उसको निभाया, और अब कैबिनेट में जिम्मेवारी दी है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से माननीय नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा जताया, मैं आदरणीय देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, गृहमंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का और अपने युवा मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम नेतृत्व का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ जो मेरे पे इस प्रकार से भरोसा जताती है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इस जिम्मेवारी पे मैं खरा उतरूँ। तो स्वाभाविक रूप से भी ये जो जिम्मेवारी मिली है इसको हम ठीक से निभाएंगे और इस उत्तराखंड के विकास के लिए जो अपनी क्षमताएं हैं उसके आधार पर पूरी शिद्दत के साथ इस उत्तराखंड के विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। युवा मुख्यमंत्री हैं आपके साथ, युवा चेहरा हैं, आप भी युवा ही हैं अगर देखा जाए तो, किस तरह से सब युवा मिलकर अब आगे बढ़ाएंगे? देखिए जनता ने हमें जिस प्रकार से मैंडेट दिया और एक मिथक तोड़ा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, पहली बार ये मिथक टूटा है और दो तिहाई बहुमत के साथ जनता ने हमारे पे विश्वास व्यक्त किया है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 1,00,000 करोड़ का पैकेज और उनका आशीर्वाद, शक्तिशाली नेतृत्व का जहाँ परिणाम था वहाँ हमारी इस 5 साल की सरकार ने जो काम करके दिखाया उसके कारण जनता ने माननीय मोदी जी का धन्यवाद किया, हमारी सरकार को मैंडेट दिया। तो पूरी कोशिश इस बार की रहेगी 5 साल पूरे हम लोग, हालांकि इसी बीच में 2025 में 25 वर्ष हमारे इस उत्तराखंड के भी होने जा रहे हैं, तो एक विजन दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हम उस विजन के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जहाँ तक युवा नेतृत्व की बात है, उन्होंने पिछले दौरान 6 महीने के अंदर ऐतिहासिक जो निर्णय लिए थे वो एक बानगी थी और अब पूरी फुल फ्लैश 5 साल का जो कार्यकाल उनको अभी ये मिला है तो सब लोग मिलके उनके नेतृत्व में काम करेंगे और उत्तराखंड का विकास, समुचित विकास, सर्वांगीण विकास पूरी तरह से करेंगे। विभागों की बात तो आपसे जरूर की जाएगी क्योंकि आज तक शाम तक शायद पता भी चल जाए, लेकिन क्या विभाग मिल रहे हैं? देखिए ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है, जिस भी विभाग को वो देंगे उसको हम बखूबी निभाएंगे, क्योंकि इसमें पहली बात तो कैबिनेट में आना उसके बाद विभाग की बात करना ये नाइंसाफी होगी किसी के साथ भी, क्योंकि ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहेंगे, प्यार देखे दिख भी रहा है? देखिए जनता का प्यार तो मैं कह सकता हूँ कि चौथी बार लगातार मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और हर बार मतांतर बढ़ता है, तो मेरी क्षेत्र की जनता का तो मैं हमेशा ऋणी हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और हमेशा मेरा निष्ठावान कार्यकर्ता मेरे साथ रहता है, प्यार उनका बरसता है, तभी तो चौथी बार विधायक बना हूं। थैंक यू। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से हमने खास बातचीत की और अब उनको शाम तक शायद क्लियर हो जाएगा कि क्या विभाग मिलते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो भी मुझे जिम्मा दिया जाएगा मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मेरे सहयोगी सुनील के साथ ही सेम ऑल नेटवर्क 10 देहरादून।